नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमबीए के एडमिशन के बारे में कि क्या क्या क्राइटेरिया वहाँ पे फॉलो होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में, एमबीए के कितने ब्रांचेस हैं, किस तरीके से आपका जो है एंट्रांस होता है, कितनी सीट्स है हर ब्रांच में एमबीए की, क्या उसकी फ़ीस होने वाली है आपके पर सेमेस्टर की, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और स्किप ना करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है एडमिशन से रिगार्डिंग तो ज़रूर मुझे आप बाद में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation को फॉलो करके वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट अब एडमिशन से रिगार्डिंग आपके यहाँ पर मिस ना हो। तो यहाँ पर हम एडमिशन से रिगार्डिंग सारी चीज़ें जानने के लिए आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर, जो है आपकी pucsd.ac.in, ये आपने गूगल क्रोम पे डालना है और इस तरीके से आपका जो है पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो क्या करना है, सबसे पहले जाना है एकेडमिक्स में और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा है डिपार्टमेंट सेंटर्स, तो आपने इस पर क्लिक करना है डिपार्टमेंट पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। और बेटर सर्फिंग के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार जो है डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है ताकि जो आपका पेज है प्रॉपर तरीके से जूम हो सके। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है उसमें आपने क्लिक करना है क्योंकि आपका जो MBA है इसी के अंदर आता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका न्यू पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट एंड साइंसेस, यही आपको जो MBA प्रोवाइड करता है, इस पर आपने क्लिक करना है और इस तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो MBA के अंडर आते हैं आपके और ब्रांचेस। तो कोर्सेज पे आपने क्लिक करना है। कोर्सेज पे यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे पहला कोर्स आपको ये शो हो रहा है MBA बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट। ये आपका 2 साल का कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन इसकी सीट्स आपकी 45 सीट्स हैं। और ये देखिए फीस भी यहाँ पे आपको बताई गई है पर सेमेस्टर 1,26,185 अप्रोक्सीमेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हर कोर्सेज का अलग अलग दिया हुआ है, बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर में या मास्टर में अगर आपने कोई भी डिग्री की है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे, दो अदर कंडीशन हर कोर्स के अलग अलग है तो वो अपने तरीके से आप पढ़ लें क्योंकि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर मैं सारी बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है। और का जो ऑप्शन है इसमें, इसका ये मतलब है अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो ये है तो आप तब भी आप एलिजिबल हैं, तो इसका ध्यान रखें। उसमें से एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, कोई भी अगर आपका है तो आप एडमिशन जो MBA का एंट्रांस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं एंट्रांस के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले हम कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगी पंजाब यूनिवर्सिटी में। दूसरा कोर्स आता है आपके MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का कोर्स है और इसमें सिर्फ 22 सीटें हैं। इसकी फ़ीस भी आपको 1,26,185 पर सेमेस्टर की बताई गई है और ये आपका यहाँ पे जो है क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ध्यान से देख लें। MBA इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का कोर्स है और इसकी 22 सीटें हैं और यहाँ पर इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया गया, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कोर्स की, MBA IT एंड टेली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का कोर्स है, फीस अप्रोक्सीमेटली सबकी सेम है और सीट्स भी कई में इसमें भी 22 से दी है और 2 साल का आपका ये कोर्स है। MBA इसमें आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, ये भी 2 साल का कोर्स है और ये भी 22 सीटें और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, ध्यान से देखें। यहाँ पे 50% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। उसके बाद MBA रिटेल मैनेजमेंट, इसमें आपकी 45 सीट्स हैं और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको रोक के आप देख सकते हैं। बाकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, जो एंट्रांस के PDF है साइड मैंने आपको बता दिया, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो एंट्रांस के जो हैंडबुक आती है, प्रोस्पेक्टस आता है, वो भी मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आपको
क्लियरली मेंशन सारी चीज़ें हो जाएंगी जो मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस साल का। उसके बाद इस पर आपका पीएचडी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट आ जाता है, ये भी आपका इसी के अंडर आता है। तो चलिए ये यहाँ पे आपके जो है एमबीए कोर्सेज ख़त्म होते हैं, जितने मैंने आपको बताए ऊपर वही एमबीए के ब्रांचेस के अंडर आते हैं। मैंने आपको फ़ीस बता दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका बता दिया है, और इसका एंट्रांस होता है पीयू मैट जिसे हम कहते हैं, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो आपको कैसे पता लगेगा, यही आपकी जो यहाँ साइट है यहाँ पे आपने जाना है नोटिस बोर्ड पे। तो यहाँ पे जब आप नोटिस बोर्ड पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड पे देखेगा जो डेली सर्कुलेट हो रहे हैं चीज़ें वो, और अगर एडमिशन नोटिस पे जाना है आपने तो आपको एडमिशन नोटिस पे क्लिक करना पड़े। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मार्च को जो है नोटिफिकेशन आ चुकी थी एडमिशन नोटिस एमबीए सेक्टरल प्रोग्राम्स, और इस पर हम क्लिक करते हैं और ये आपका डाउनलोड हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे 24 अप्रैल को जो आपका 2021 में जो एंट्रांस है वो है। और मेन चीज़ इसमें देखनी, मैं आपको बता दूँ कि अगर सारी चीज़ें आपने अब देखनी एडमिशन की तो आपने इस साइट पर जाना है, वो भी मैं आपको खोल के बताने वाला हूँ, met.puchd.ac.in। इसे पे आपको एडमिशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। जो मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं एक बार ये कोर्सेज देख लें जो मैंने आपको सारे पहले बता दिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मैंने वहाँ पे बता दिया है। जो आपके फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे आपके met.puchd.ac.in पे, वहीं पे आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपका एंट्रांस होगा, और आपकी फ़ीस है जो वो ध्यान से देखें यहाँ पे 2175 रुपये है। बाकी जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1088 रुपये, इसका ध्यान रखें। अब हम चलते हैं सीधा साइट पे। आप साइट पे पीडीएफ के डायरेक्ट जा सकते हैं, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे अगर हम खोलें यहाँ पे गूगल क्रोम पे, यहाँ पे नीचे ऊपर आपने लिख देना है met.pu, ये देखिए ये आपकी ऑफिशियल साइट अब ओपन हो जाएगी। ये आपकी है मैनेजमेंट एंट्रांस टेस्ट जो मैट की फुल फॉर्म है पीओ की 2021। सबसे पहले आपने करना है प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड। सभी स्टूडेंट ने प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं सीट्स के बारे में। उससे भी आपको एंट्रांस का क्राइटेरिया पता लगेगा। फिलहाल यहाँ पे लास्ट डेट देख लें एक बार, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 10 अप्रैल। जो 10 अप्रैल को रजिस्टर कर लेंगे उससे पहले पहले वही 15 अप्रैल तक फीस जमा कर सकते हैं, और वही 17 अप्रैल तक अपना जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये समझ लीजिए 10 अप्रैल ही लास्ट डेट है, क्योंकि इसी तारीख तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये था 2021 के बारे में। इस तरीके से हर साल आपका यहाँ पर मैट का प्रोस्पेक्टस निकलता है, फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है, और उसी के बाद उसका आपका एंट्रेंस पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो कैसे बनती है वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। उसका कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पे जो बताया गया है मेल कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट अस में जाके आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आप नंबर भी जो हेल्पलाइन नंबर है देख सकते हैं। अब प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, इसमें भी यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। मैं आपको मेन चीज़ जिसमें बताने वाला हूँ, कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं जो प्रोग्राम्स एमबीए के आते हैं यहाँ पे। 24 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो गए थे, 10 अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, और 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर इसमें कोई चेंजेस आता है आपको उसे चैनल पे पता लग जाएगा, या इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो ज़रूर कर लें @mathseandeducation को। वहाँ पर मैं कोई भी न्यूज़ होती है तो एट अ टाइम उसी पर पोस्ट कर देता हूँ। तो ये सीधा आप इसको सर्च मारें इंस्टाग्राम पे, आपको आईडी पता लग जाएगी। सेंटर आपका चंडीगढ़ ही होगा, कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम चंडीगढ़ में ही देना होगा, सेंटर आपका वहीं बनेगा। इसका भी ध्यान रखें, कोई दूर से स्टूडेंट भर रहा है तो उसको इस बात को ध्यान से देख लें। और ये हेल्पलाइन नंबर है जैसे मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे सबसे पहले ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्लाइड्स आप रोक के, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। अब बात करते हैं एंट्रांस की। तो द एंट्रांस
टेस्ट विल बी कैरी 85% वेटेज एंड विल एंड वी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। आपका ये क्या होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और जितने आप मार्क्स लेंगे वहाँ पे जो है आपका ये मतलब कि 100% टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें से 85% आपके होते हैं एंट्रांस के। 7.5% होता है आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होती है आपकी, और उसके बाद 7.5% आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसका, टोटल मिला के 100% तब आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनती है। अब आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 4 सीरीज आती हैं और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर उसके अंदर आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट अवेयरनेस होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, नंबर यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग होती है, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन होता है। मैक्सिमम जब आप बात करें अगर यहाँ पे एंट्रांस के बारे में, तो कोई भी एंट्रांस हो उसमें इंग्लिश आपकी होती है और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होती है, जनरल नॉलेज भी होती है। इसमें 2 चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स के बारे में और ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपकी है प्रॉपर MBA के लिए मैट का एंट्रांस है। जैसे मैंने आपको बता दिया एंट्रांस के यहाँ पे 85% आपका वेटेज है इसका एंट्रांस का, उसके बाद डिस्कशन और आपकी यहाँ पे इंटरव्यू, यही चीज़ें यहाँ पे इसको बताया गया है। उसके बाद जो इसका प्रॉपर जो यहाँ पे इन्होंने जो सिलेबस है आपको मेंशन नहीं किया है, इसके अंदर आपके किसी टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप गूगल या आप यूट्यूब पे इसके रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में तो चलिए GK उसमें आपकी करंट अफेयर आ जाते हैं, चंडीगढ़ के बारे में कुछ आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। साइंस अगर आपका मैथ से रिलेटेड है तो आपके जो फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें होंगे, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इस साल का क्राइटेरिया है कि वैकेंट सीट्स के बारे में, वो भी यहाँ पे बताया गया है, आप उसको गो थ्रू कर लें एक बार जब आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देखेंगे। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है और डेट्स के बारे में पहले ही आपको बता दिया है। NRA सीट्स के बारे में है, ये सीट्स की जो यहाँ पे वेरियस सीट्स हैं किस तरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई हैं वो देख लें एक बार। MBA में आपके रिटेल में 45 सीट्स हैं, 25 जनरल्स के लिए, SC के लिए 7, ST के लिए 7, BC के लिए 2, स्पोर्ट्स कैटेगरी 2। और एक चीज़ का ध्यान रखें, स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी यहाँ पे अलग से आपको सारा बताया गया है कौन सी कैटेगरी का आपका वैलिड माना जाएगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस होंगी, तो सारे यहाँ पे ध्यान से देख लें कि क्या क्या सीट्स हैं आपकी। एडिशनल सीट्स हैं यहाँ पे यूथ फेस्टिवल के लिए 1-1, वोटर एरिया स्टूडेंट्स के लिए, रूरल एरिया के लिए। उसके बाद जो जनरल रूल्स हैं इसको ध्यान से पढ़ लें, ये चीज़ जो बताई गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सेंटर आपका चंडीगढ़ ही होगा और जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल 24 को होना है इस साल का 2021 का। और ये आपका है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल विल बी इंग्लिश ओनली, और ये वही जो नॉर्मल सी कंडीशंस होती है आपकी वो यहाँ पे बताई गई हैं। और ये नो यहाँ पे एक चीज़ और का ध्यान रखें कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर हैविंग OMR सीट देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पर आपको बताया गया होगा कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, हो सकता है ना भी हो और हो सकता है हो, तो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही पता लगेगा। ये आपके एंट्रांस से रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी भी क्राइटेरिया में आप कैटेगरी में आप वहाँ पे भर रहे हैं एग्ज़ाम को ST SC BC, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो है आपका फॉर्म होना चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाएंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जब आप वहाँ पे अपनी सीट की वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, हर चीज़ आपका फॉर्म क्लियर होना चाहिए। अब इसी PDF के एंड में आप देखेंगे आपको सारे जो फॉर्म है उसका प्रिंट दिया गया है, आप उसको निकलवा के वहीं आप फिल करवा के आप जमा करवा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और इसी में आपको पता लग, जैसे कि ये देखिए सर्टिफिकेट फॉर बैकवर्ड क्लास, इस तरीके का सर्टिफिकेट यही आपने प्रिंट निकलवा लेना है, इसी पे आपने साइन जहाँ जहाँ जी जिसके साइन आपके होने हैं आपने करवा लेने हैं। और ये इस तरीके से आपका जो भी इसमें प्रिंट दिया गया, ये देखिए जी आपका अंडर डिफेंस कैटेगरी है उसके लिए
आपने आपको अलग से कहीं लाने की जरूरत नहीं, सारे सर्टिफिकेट इसी के अंदर आपके आ जाएंगे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी MBA एडमिशन्स के रिगार्डिंग, मैंने आपको बता दिया सीट्स के बारे में, उसके बाद कैसे आपने वहाँ पे फीस कितनी है सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई, उसके बाद कहाँ एडमिशन नोटिस को आपने देखना है, कौन सी आपकी साइट है एंट्रांस के रिगार्डिंग आपने कहाँ चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया, mat.puc.ac.in वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। कोई भी इसमें चेंजेस आते अपडेट आते आपको इंस्टाग्राम हैंडल @mathseducation पे पता लग जाएगा, उसको फॉलो ज़रूर कर लें। बाकी आगे आने वाले सारे अपडेट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।